हमारे देश भर में संस्कारों को कलंकित करने वाली कई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इन सभी विकारों की जड़ है शराब। एक तरफ सरकार नशा मुक्ति अभियान चला रही है और दूसरी ओर शराब की दुकान। देश की युवा पीढ़ी का संपूर्ण विनाश शराब के कारण हो रहा है और ये शराब महिलाओं और बुजुर्गों के जीवन में भी अपना कब्जा कर रही है। जिले के धनपुरी नगर के मध्यस्थल बाजार रंगमंच के पास की स्थिति सोचने को विवश करती है कि क्या प्रशासन ने अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर रखी हैं, लेकिन यह स्थिति आगामी समय के लिए समूचे समाज को गर्त में धकेल रही है। क्या हुआ है? दारू पी लिया है। क्या पी लिया है? दारू। दारू? हाँ। तो घर में पीना चाहिए ना? अरे होगा, काम पर से। हाँ, तो उठ के नहीं जा पा रही हैं? जाओ तो रोड से अलग हो ना, गाड़ियाँ आ रही हैं, कुछ हो जाएगा। कहाँ रहते हो? कहाँ? तीन नंबर कॉफी हाउस। और दारू कहाँ पिए हो? कच्ची मोहल्ला में। कौन सी दारू पिए हो? कौन सी दारू पिए हो? कच्ची वाली। कच्ची वाली दारू की दुकान में मिलती है जो? बाहर? बाहर किसी के घर में पिए हो? बनाते हैं वो लोग? कहाँ बनाते हैं? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। हाँ, ज्वालामुखी मंदिर के पीछे। हाँ। मोहल्ला का नाम बताओ। नहीं पता। नहीं पता? कौन बनाता है, किसके यहाँ बनती है? नाम नहीं पता। हाँ। जगह पता है? जगह नहीं है, कभी कभी भूल भर के जाते हैं। हाँ, किस किस चीज़ से बनाते हैं वो दारू? पता नहीं। कच्ची दारू बनाते हैं खुद? हाँ। घर में? हाँ। और पीने को देते हैं लोगों को? अच्छा, मतलब दुकान से नहीं खरीदे तुम लोग, बाहर से। उस दारू में कोई जहर हो तो क्या करोगे? जाओ जाओ, उठ के घर जाओ, उठ के घर जाओ अपने। हाँ।